I'm so proud that Nikhil is someone I'm going to get to spend the rest of my life with. That I got my best friend as my life partner, and I'm so excited for the journey ahead. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. 9th of September 2020 has been like the best day of 2020 of my life. Literally one of the best days of my life. You guys already know why. And as I speak to you guys about it, I'm probably getting so emotional because I wasn't really expecting it and it just happened. So एक महीने पहले जब हम इस गाने का शूट कर रहे थे तू आ जाना, आई होप कि आपने ऑलरेडी देख लिया, इट वेंट लाइव येस्टरडे ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ वोला डिजी. अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखो, एंड फॉर दोज ऑफ यू गाइज हैव ऑलरेडी सीन इट एंड शोन सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच. आई मीन आई एम सो हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो आप लोगों ने इस गाने को दिया है और आपके कॉमेंट्स और सब कुछ. इट रियली मोटिवेट्स अस एंड वी आर सो हैप्पी बिकॉज हम दोनों के लिए गाना बहुत ज़्यादा स्पेशल था. It was something we were doing together for the first time. A music video में हमेशा से चाहती थी कि हम दोनों एक music video में साथ में आए, and I couldn't have imagined anything better than Tu Aa Jaana. It's just so perfect. Everything is so perfect about the song. तो अगर आपने नहीं देखा है please go see it, and it's available on every single music platform. तो आप गाने को download करके भी सुन सकते हो. I swear मैं इतनी ज़्यादा nervous थी because I was acting almost after a 4-year break. एंड आप लोगों को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा. आई रियली बिकेम सो हैप्पी येस्टरडे बिकॉज आई वॉज लाइक ओह आई स्टिल नो हाउ टू एक्ट. जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, मैंने पहले जब हम इस गाने का शूट कर रहे थे सो हम लोग को दोनों को पता नहीं था कि एक्चुअली उसमें कोई प्रपोजल सीन है. जब हम वो प्रपोजल सीन शूट कर रहे थे सो मैं एक्चुअली निखिल का बहुत मजाक उड़ा रही थी बिकॉज निखिल इज़ नॉट अ चीजी बॉयफ्रेंड एट ऑल एंड those things are totally unexpected from him. मैं निखिल को बोल रही थी I cannot even imagine you doing something like this in real life because this is not your type. और उसको बड़ा अजीब और funny लग रहा था to be on his knees and come with the balloon and the flowers. Little did I know that he is planning to propose to me on the trip that we are going to go in. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा सरप्राइज गिफ्ट वो होने वाला है बिकॉज जब उसने मुझे बोला है वो सरप्राइज गिफ्ट बट वो थोड़ा डिले होगा तो मुझे लगा था मे बी इट्स अ न्यू लैपटॉप, अ न्यू कैमरा और मे बी समथिंग एल्स. पर एक रिंग मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था निखिल से. मुझे पता है कॉमेंट सेक्शन में काफ़ी लड़कों ने कहा कि इट इज़ गोइंग टू बी अ रिंग, पर मैंने सोचा था कि यार नो इट्स नॉट समथिंग निखिल कैन एवर डू. जब 9th सितंबर को थिंग हैपेंड आई वाज वेरी शॉक्ड. एवरीथिंग एल्स स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी. आई के सेकंड वीक में निखिल वाज लाइक अरे शैनस यू आर लूजिंग वेट, यहाँ पे पता तेरी उंगलियाँ बहुत पतली हो रही है, तो वो कुछ ऐसे 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 कर रहा था पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया. उसके बाद में उसने बोला कि योर गिफ्ट इज डिलेड, यू नो ही इज गेटिंग इट फ्रॉम अब्रॉड और समथिंग, इसलिए टाइम लग रहा होगा बिकॉज ऑफ COVID-19. कमिंग टू द 9th सितंबर, द डे ही एक्चुअली प्रपोज मी, उस दिन सुबह मैं रेडी हो रही थी सो आई वोर अ ग्रीन ड्रेस एंड फिर निखिल ने मुझे बोला कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी शैनस तो कुछ और पहन ले. तो इस बार मैंने ट्रिप पे एक्चुअली पहली बार इंडियन कैरी किया तो आई वाज लाइक चलो मैं यही पहन ले, ठंड भी लगेगी और अच्छा भी दिखेगा. सो आई वोर दैट एंड ही टोल्ड मी इट्स परफेक्ट. फिर हम नीचे गए, यू नो वी वर रेडी टू लीव और उसने हम लोग को बोला ही ऑल ऑफ यू पोज फॉर द थंबनेल. तो हम अचानक से थंबनेल के लिए पोज करने लगे एंड ऑल ऑफ सडन ही गोज डाउन ऑन हिज नीज एंड ही सेज ये ले. इट वॉज सो फनी. मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड में थी. आई वॉज लाइक एम आई ड्रीमिंग और वॉट. फेसू वाला कर रहे है ना? क्या फेसू वाला कर रहे? निशान भाई ये रिका होएगा और ये शैनस का गिफ्ट. अरे ये लो वाह, ये ले बैठ के. क्या बात है तो बनता है यार, ये अभी नहीं जाएगा बाद में जाएगा. मेरे लिटरली हाथ कांप रहे यार, फर्स्ट टाइम कभी हाथ कांपे मेरे. ये ले, हाउ डिड यू लाइक इट? सी नाइस, यू आर अंडर एक्सपेक्टिंग. और बड़ा लेना है जानस, और बड़ा. ये रो रही है. अरे वाह वाह, सॉरी इतना अच्छा लोकेशन नहीं पकड़. एक मिनट सॉरी, पहना थे मैं भूल गया, पहना थे. हां ये ले. नहीं पहले पूछते वो, वो हाथ आगे देंगे पहले. नहीं ऐसा नहीं.
कोई अच्छी जगह जाऊंगा यार, कोई माउंटेन वाउंटेन एरिया में मिला नहीं। मैं वेट कर रहा था शानी जिस दिन अच्छे कपड़े पहने के उस दिन जाऊंगा। सीरियसली कांग्रेचुलेशंस निखिल भाई। हर लड़की का सपना होता है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उसे कभी प्रपोज करे और पूछे विल यू मैरी मी। एंड यू नो आई वाज सो मच इन शॉक्ड। और उस दिन मैंने पहली बार आई थिंक निखिल को इतना ज़्यादा नर्वस देखा। ही फॉरगॉट एवरीथिंग ही हैड टू से। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बोला कि निखिल मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, पर उसके जो वो एक्सप्रेशंस थे एंड द वे ही वेंट डाउन, आई थिंक वो कोई और नहीं समझ सकता मुझे छोड़कर। मैं नहीं चाहती थी कि मैं रोऊं या कुछ भी, पर आई बिकेम सो इमोशनल। और मैं निखिल को देखा भी, ही वाज गेटिंग इमोशनल। आई थिंक उसने राइट हैंड में डाला और बाद में, बिकॉज दोस्तों ने बोला कि राइट हैंड में जाती है, बाद में ऑफ कैमरा उसने निकाल के लेफ्ट हैंड में डाली एंड इट वॉज रियली रियली फनी। ही इवन फॉरगॉट टू आस्क मी विल यू मैरी मी, बट आई अंडरस्टैंड द फीलिंग। और उस दिन रात को when we came back to the hotel in the night, he took out the ring from my hand. So main bahut zyada dar gayi ki why is he doing that, and then he went down on his knees, he told me to sit down on the bed and usne mujhe ek bahut hi zyada emotional 10 minute wala speech diya. That was the most romantic I've ever seen Nikhil. He actually gave me a very emotional 10 minute speech. And उसने मुझे फाइनली वो क्वेश्चन पूछा, विल यू मैरी मी, विल यू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद मी, एंड रिंग फिर से डाला. सो दोज आर थिंग्स दैट यू विल नेवर बी एबल टू सी ऑन कैमरा, बिकॉज निखिल एंड आई आर वेरी वेरी प्राइवेट अबाउट आर लव लाइफ. लगता है आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दैट डे एवर. इट इज़ सो स्पेशल, इट इज़ सो परफेक्ट. एंड द फैक्ट दैट समवन लाइक निखिल, जो लोग नहीं जानते, निखिल इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ही इज़ नॉट अ चीज़ी पर्सन, बट ही इज़ द मोस्ट लविंग पर्सन इफ़ यू आर क्लोज टू हिम. तो उसने जो मेरे लिए ये चीज़ की, आई नो हाउ मच करेज इट माइट हैव टू हिम टू डू दैट. निखिल अपने लिए एक टी शर्ट भी चूज़ नहीं कर सकता. हमेशा मैं उसके लिए कोई टी शर्ट या कुछ भी चूज़ करती हूँ. सो ही इज़ रियली बैड इन गिफ्टिंग पीपल, सरप्राइजिंग पीपल एंड चूजिंग गिफ्ट्स. रिंग को सिलेक्ट करने के लिए उसने एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ रिंग्स को रिजेक्ट किया एंड ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट परफेक्ट फॉर मी. लिटरली जब उसने मुझे अपनी 10 मिनट्स की स्पीच दी उस रात को, तो मुझे बता रहा था दैट आई होप दैट यू लाइक द रिंग. तो मैंने उसको बोला कि मुझे रिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मुझे 100 रुपये की रिंग देता तो भी इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. इनफैक्ट जब हम दोस्त बने थे तो निखिल ने मुझे एक्चुअली 100 रुपीज़ का एक रिंग गिफ्ट किया था कोलाबा से, वो अभी भी मेरे पास है. आई यूज़ टू वेयर इट एवरी डे फॉर लाइक द फर्स्ट 2-3 ईयर्स. जो रिंग है इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल, सो परफेक्ट. इतना ज़्यादा स्पेशल इसलिए बिकॉज उसने अपना टाइम और एफर्ट्स इतना स्पेंड किया टू सिलेक्ट द परफेक्ट रिंग फॉर मी, जो मुझे खुश करे और जो मुझ पर अच्छा लगे. इज द रिंग दैट ही गिफ्टेड मी वेन वी बिकेम फ्रेंड्स. इट्स 100 रुपीज़. हम तभी ऑडिशन दिया करते थे साथ में एंड इट्स स्टिल वेरी स्पेशल फॉर मी. मेरे कोई पुराने वीडियोज़ देखे होंगे, एक साल पुराने या कुछ भी, तो आपको ये रिंग बहुत सारे व्लॉग्स में दिखा होगा. सो आई यूज़ टू वेयर इट अ लॉट. दैट टू दिस, फ्रॉम फ्रेंडशिप टू बींग लाइफ पार्टनर्स, ये जो रिंग है, बिकॉज निखिल को सरप्राइज ही रखना था, तो जब भी वो मेरा उंगली मेजर करता था इन जुलाई एंड ऑल ऑफ दैट, तो मेरा उंगली काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली मोटा था कंपेयर टू नाउ. इसलिए जब उसने मेरे हाथ में रिंग डाली तो रिंग एक्चुअली गिर रही थी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लूज थी. फिर जुनेद भाई ने इसको एक्चुअली एक थ्रेड से बांध कर काफ़ी मोटा किया. दैट्स वेन इट फिट्स इन टू माई फिंगर. लेकिन अभी बिकॉज आई एम इन द होल वेट लॉस प्रोसेस, तो मेरा वेट लॉस जर्नी कम्प्लीट हो जाएगा तभी जाके इसको अच्छे से टाइट कराऊंगी. सो टिल देन आई एम गोना वेयर इट लाइक दिस. देन वी जस्ट डिड अ स्मॉल फोटोशूट, जस्ट टुक अ स्मॉल स्लो मो वीडियो. What's the point of living if we're scared to lose each other? What's the point of living without you? Such kahu to I am obsessed with. मुझे हर दिन देखोगे इसके साथ. Proud that Nikhil is someone I'm going to get to spend the rest of my life with. I am always grateful that I got my best friend as my life partner and I'm so so excited for the journey ahead. मैं ring पहनती हूँ, मुझे याद आता है कि the journey that we had together and how he made so much efforts to make me happy and propose to me and the fact that I belong to him.
तो आप लोग मुझे हमेशा देखोगे ये रिंग पहनते हुए. आई नो इट्स अ लिटिल बिट चीज़ी बट आई एम अ गर्ल एट द एंड ऑफ द डे. सो हैप्पी टू बी एंगेज्ड टू माय बेस्ट फ्रेंड. लोग में से बहुत सारे लोग रुके थे कि मैं अपना रिएक्शन दूँ अबाउट दिस होल प्रपोजल एंड हाउ आई फेल्ट. तो मैंने सोचा लेट मी मेक दिस वीडियो एंड टेल यू गाइज हाउ आई फील अबाउट इट. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. इफ़ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन प्रीटी सून. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, टेक केयर ऑफ द वंस अराउंड यू एंड बी काइंड. Tell me now and I'll stop fighting. Tell me.